मैं चाहे किसी ना लड़ पी हूँ, मैं भावे झगड़ लेनी हूँ, पर मैं रोनी भी हूँ, मैं भी रोना आता। मैं कुछ नहीं कह सकती। वाह यात नंगिया तस्वीर गंदिया तस्वीर मैंने सेंड कितिया कि तुम्हारा ऐसे दिल करता है, तुम्हारा मियाँ छोड़ गया था, तुम में फर्क था, हालांकि मेरे मियाँ छड़ के ऐसे नहीं गए सन, मेरे मियाँ ने दूसरी शादी की, मेरा मियाँ भी मर्दी सी। मोहतरमा फौजिया ने चैनल ते आए, नशर हो गए पूरी दुनिया च, फिल वक्त जोश आया या मेरे जिन्हां भाइयों को गुंजाइश थी उन्होंने इन्हां दी हेल्प कर दिती। लेकिन जो ही वो महीना दो महीने गुजर गए फिर वो अपनी जगह ते उथे ही वापस आ गए। मैं ते ना उसे जहर पा के गून दिता है ते मैनू एक कहंदा मैं पहले खानी है, दूसरा कहंदा मैं खानी है, इन्हां ए नहीं पता है कि विच जहर के दोनों सारे एक दूसरे को पहले मरन नू तैयार ने। तो साबिया ने पूछा कि तुसी अच्छा काम किया, उसकी बेटी ने रुखसत कर दिता, उसके इंतजाम किए, तो आप कह लगे काम तो अच्छा हो गया है, लेकिन मनु तकलीफ अंदर है वे कि इन्हें सानू क्यों लभ्या, असी इन्हों क्यों नहीं लभ्या। सो इस तो पहला कि लोग सानू लभन, असी इन्हों लोगों लभ लीए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन तुहाडी खिदमत च हाज़र है तुहाडा होस्ट बाबर बेग और तुसी वेख रहे हो ABAG TV। अगर हुण तक तुसी साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां जरूर करो ताकि तुहानूं साडियां आने वाली नवीं वीडियो जिहड़ियां ने मिलदियां रहण। अज दा जिस मेरी मैं वीडियो कर रहा वा, साडे नाल मोहतरमा मौजूद ने और साडे वास्ते काबिले एहतराम ने। जिस तरह के तुसी इन्हां दीआं पहलां स्टोरियां ऑलरेडी सोशल मीडिया ते देख चुके होवोगे कि ये रिक्शा चलांदे सन और रिक्शा चला के अपना रोज़गार कमांदे सन। सो सोशल मीडिया वाले आए, इन्हां दा इंटरव्यू कीता और उन्हूं सोशल मीडिया ते अपलोड कर दिता। उहदे ते चुके लोगों का इन्हां नाल राबता हो गया, इन्हां दा वीडियो देखण तों बाद हुण भी इन्हां दे काफ़ी सारे चैनलों ने इंटरव्यू किए। वो जो इंटरव्यू इन्हां दा वायरल हो गया, वायरल होने तो बाद लोगों का राबता होया, लोगों ने इन्हां नूं कालां करनियां शुरू कर दित्तियां। खैर अनगिनत कालां आनियां शुरू हो गई, लेकिन उन्हां कालां दा रिजल्ट की निकलिया। जिस तरह के असी कारे खैर का एक खिदमत इंसानियत का सिलसिला जिहड़ा वो चला रहे हैं, सो अज मैं इस टॉपिक ते गल करनी चाहना वा कि कॉल करने वाले किन्ने लोग होंदे ने, और क्योंकि मैं तो जेंट्स हाँ, एक खतून वास्ते की मसाइल होंदे ने और वो कॉल करने वाले किन्ने क लोग ने, की कहंदे ने, की भेजदे ने, की डिमांड करदे ने, की चाहते ने। जिहड़े लोग बहुत अच्छे लोग ने, बहुत बहुत अच्छे पाकिस्तानी ने, अलहमदुल्ला जिन्होंने पाकिस्तान दे मिट्टी दे के एक जर्रे उन्होंने फखर है, और कुछ मेरे ऐसे अजीज़, कुछ मेरे ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे भाई जेडे अल्लाह दे नाँ ते ये कहंदे ने कि असीं तुहाडी हैल्प करनी चाहते हैं, साढ़े नाल गल करो, आन कैमरा आके गल करो। लेकिन सानू इस सवाल करन तो पहला यह सोच लेना चाहिए कि जिस खतून ने रिक्शे चलाने नू, रिक्शा चलाण नू जिहड़ी तरजीह दित्ती है, वो किसे नाल बाहर जाके, दुनिया ते सौ मामलात ने, लेकिन रिक्शे ते मजदूरी करके अपने बच्चों की रोज़ी कमा के उन्हां नू खिलाना, इहनू तरजीह दित्ती है, इहनू मुनासिब समझिया, तो सो किसे नाल कैमरे ते आके की गल करेगी। इस हवाले नाल असीं गल करांगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, पहली गल तो है कि तुहाडे हसबंड नहीं है जी, तुसी अपने घर दे बजाते खुद कफील हो जी, चार तुहाडे बच्चे ने, एक बेटी है, तीन बेटे ने। जिस तरह नाज़रीन तुसी देख रहे हो कि इन्हां दे बच्चे जिहड़े ने छोटे ने, मतलब रोज़गार हले नहीं कमा सकते, इन्ने समझदार नहीं,
कि बंदा कहे कि काम को कारोबार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, तुहाडे हसबैंड नूं तुहाडे नूं हुण तां दुनिया दी मौजूद नहीं, असीं कह सकते हैं कि तुसी बेवा खातून हो, तो कितनी देर हो गई उन्होंने तुहाडे तों अलग होया? उन्होंने 8 साल हो गए ना साढ़े को अलग होने, आप अपने प्यारे हो गए ने। पहले उन्होंने दूसरी शादी की थी, शादी करके सानू जी दर पदर छड़ गए, दूसरी बीवी उन्हें मलेशिया चली गई। बहुत अच्छा वक्त से मेरे पे कदे, तो जी दूसरी शादी की थी तो उदे नाल 1 साल रहे ने, जे 1 साल सानू उन्होंने रबता नहीं किया। तो अल्लाह पाक की लाठी भी बहुत बेआवाज़ है, वह सच्चे रस्ते थे, मैं झूठे रस्ते थे। मैं तो माफ भी करती सी दूसरी शादी, पर जो उन्होंने मेरे जुल्म किया, मेरे बच्चों को भुख्या रखा, मैं दर पदर कर दिता, वो होंदिया जिंदगी दे विच मैं कचरे के ढेर तो बोतल उठानी सा, सब कुछ ऐसी तरह लिया के बच्चों को खिलाना पिलाना, अक गई सत गई, परेशान हो गई। एक दिन जहर लिया 10 रुपए का नीला तो थले आके बच्चों को गुन के पका के, मैंने कहा मैं लोगों को की कह कि मैं इन्नी ऐश इसरे की जिंदगी बसर की, अज मैं सारे रूल दिपे उन्हें दूसरी शादी की, करते करते मैं जहर बनाया। बच्चे 2 दिन तो मेरे बच्चे भुखे सन, मैं कहा बच्चों ने मार के आप ही मर जानी हाँ, फिर जो मैं मर गई तो बच्चों का की बनेगा, जो बच्चे मारते तो मैं कल करांगी, मैं जहर गुनिया। मैं बच्चे कहने ए उस्मान अली 6 मारता से उदों, तो जासिम अली जे मेरे को बैठे ने बिल्कुल 1.5 साल का सी, अरहम अली गए ए भी गया 4 साल का, बेटी मेरी 3 साल की सी, तो वह कवे मामा मैंने खानी है पहले ए करे, तो वह हीटर पीना से कवे मामा पहले मैं खानी है। मैं इन्हों के मुँह वाल वेखन लग गई कि मैं क्या मैं तो इन्होंने वास्तव जहर पा के गुन दिता है, तो मैनू एक कहना मैं पहले खानी है, दूसरा कहना मैं खानी है, इन्हों ए नहीं पता है कि जहर के दोनों सारे एक दूसरे को पहले मरण को तैयार ने, तो मैंने तो इन्हों पता है। तो मैं क्या किन्ने बहादुर मेरे बच्चे ने, कहना कि नहीं पता है जो भी रोटी मांग रहे कि मौत मांग रहे पहले मेरे को, तो मैं इन्होंने मारन दी है तो मैं क्यों मारन दी है, कि मेरे भाई ने खुद खुदकुशी की थी, वह मीडिया चैनल 5 गए सन, उन्होंने तनखावान नहीं मिली जो मैं पाकिस्तान आई सा। तो मैं सोचा मैं क्या नहीं, मैं क्या पहुँच गया बच्चों नहीं मारना, मैं रोटी तो अभी तो पक गई, मैं चुक के जाके नाली जैसा पानी गिरा दिया, क्योंकि जानवर भी ना खावे। बच्चे ने कहा मामा आपने क्यों नहीं मेरी रोटी दी, थतने छोटे छोटे सन बच्चे बोल रहे सन थोतनी जबान से, मैंने कह मैं कहा बाप बच्चा इसमें छिपकली फिर गई है, मामा आप झूठ बोल रहे हो, आपने मैं खाना नहीं दिया। मैं कहा नहीं बेटा इसमें छिपकली फिर गई है, आप हमें रोटी तो दे देती। मैंने कहा नहीं बेटा अगर आप खाते तो मर जाते। तो बच्चे नहीं इतबार करे, मैंने कहा मैं जी तंग हो गई थी, आप लोग रोज मुझे रोटी मांग दो, मैंने आपको रोटी दे देनी, मैंने इसमें जहर लाकर डाल दिया था, तो इसलिए मैं तंग हो गई हूँ, कहाँ से मैं आपको खिलाऊँ, मैं तुम लोग देखना तुम लोग मर जाते, बाद में मैंने भी खा के मर जाना था। बच्चों ने मुझे पकड़ लिया, मैंने समेट लिता नाल अपने, मामा हम आपको नहीं कहेंगे, मामा आप ना मरना, मामा मैं पापा नहीं हूँ, आप भी चली जाओ तो क्या होगा। मैं हौसला किया, मैं अपने बच्चे मासूमा ने वेख के मेरे दलेरी आई, मैं मेरे बच्चे ने जरूरत वाले तो मैं क्यों ना आवं, मासूम सन मैं माँ सा, मेरे को नहीं हिम्मत पई। ऐसा मतलब है नहीं कि माँ की जालिम होंगी कि अपने बच्चों को जहर दे देगी, बड़ी बड़ी दुनिया कोशिश करती, कई लोग मर भी जाते हैं भुख तो नंग तो, मरते भी ने बच्चों भी मार देने अग भी ला लेंगे ने, पर मेरे हौसला आया। मैं जी खुद अपने घर मुलाजमान रख दी सर, नौकर रख दी सर, कपड़े प्रेस करना नहीं लगता, जुत्ती चुकना नहीं लगता, दिन 10-12 सूट पाने, मलेशिया पाकिस्तान मेरे से पिंडी इस्लामाबाद होंगे सी, आना जाना इस तरह से मेरे से। मैं ना लोगों ने घर काम करन लगी, मैं लोगों को क्या मैं काम देवो, कई ने काम तो रखा, कई औरतों भी काम एक हफ्ता करा तो जब पैसे देने वारी आवे, बाजी तू ना आया कर, तू नाल बच्चे लैके आनी है, तू ये करनी है, तो कई ने कहना कई मर्द गलत होने, चोरी नाल बंदे को नज़र चढ़ा के मैंने वेखना, झाड़ू फेरना नीचे, गलत गलती नहीं करना, फिर मैं अपने आप में समेटना, कभी अंजे दुपट्टा करना, कभी अपने आप में समेटना, किसी को मैं छड़ के आ जाना कि जी इतने काम खराब है, अपनी इज्जत की बच्चों चुकना आ जाना। कई ने मेरे पैसे रखे, कई ने मैनू नहीं दिते, कई ने मैनू दिते भी ने, कई ने मेरा साथ भी दिता है, जिन्ना हो सका उन्होंने भी मैंने किया, लत्थे कपड़े पाए 8 साल तो तकर। मैं हर इंटरव्यू भी कह रही हूँ मैं कभी सूट नहीं सिलाई करके पाया, ना मैं जुत्ती खुद खरीद के पाई, जे मैंने हेल्प भी आई है। यासिर शामी का मेरा प्रोग्राम चलिया सी, तो लोगों ने मैंने कॉल की, बहुत अच्छे लोग भी सन और बहुत ज़्यादा गलत लोग भी सन। मैं कहनी हूँ जो हकीकत मेरे सामने मुआशरे मर्द मेरे सामने आए ने, उस तो ज़्यादा मेरे कॉल तो मेरे सामने आए ने। मैं यह नहीं कहती कि मर्द गलत ने, मर्द भी अच्छे ने, बहुत बहुत नेक ने, जिन्होंने मैंने भैन भी कहा
भावें मेरी उन्होंने एक बार हैल्प की, भावें उन्होंने मेरी दो बारी हैल्प की है और बड़े अच्छे तरीके की, और जिन्होंने नहीं की उन्होंने वाहियात नंगिया तस्वीर गंदिया तस्वीर मैंने सेंड की कि तुम्हारा ऐसे दिल करता है, तुम्हारा मियाँ छोड़ गया था, तुम मैं फर्क था, हालांकि मेरे मियाँ छड़ के इसलिए गए सन, मेरे मियाँ ने दूसरी शादी की, मेरा मियाँ भी मर्द सी तो यह भी उही मर्दा सन जे गलत सन, क्योंकि मेरा मियाँ भी गलत सी। लेकिन जो लोग नंगिया तस्वीर भेजते सन या इस तरह दीडियो भेजते सन या पूछते सन इस तरह दिल करता है, डूबन वाले तिंके का सहारा, क्योंकि मेरा फर्ज सी मैं पहले पूछा भाई आप मेरे कोई हेल्प, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, जी भाई बताए जी किस तरह हेल्प करना चाहते हैं, अपना कोई शनाख्ती कार्ड भेज दो अकाउंट नंबर जी ठीक होगा मैं ओके, मैं शनाख्ती कार्ड भेजना या अकाउंट नंबर भेजना, थोड़ी देर बाद जी मैं हाँ जी आपको कितना खर्चा बनता है, मैंने कहा मेरा जी किराया किराया पा के मेरा 30 to 35 हज़ार बनता है बच्चे ने स्कूलों का पा के, जो मैं 8-9 हज़ार का खर्चा पानी मेरा महीना आराम ना, यानी कि ज़्यादा यशी ने मैं इन्ना को बन जाना, अगर भाई तेरी तो फिर कहने डाल दो नहीं तो थोड़े भेज दो बेशक कोई गल नहीं, नहीं नहीं हम आपको पूछ के ना तो कह 50 हज़ार भेज रहे हैं आपको, टेंशन ही लेनी है आपने, कोई चीज़ की जरूरत हो आपने मुझे बताना है, बस हल्का सा फ़ोन करना है। मैंने कहा जी भाई मैं समझ आना मशकूक गल है, मैं औरत मेरी छट्टी तेज़ है और दुनिया के बच्चे जिन्नी क मैं ठोकर खा के गोल बट्टे पै ना किसी ने कहा कि बट्टिया तू गोल क्यों है, क्या मैंने ठुडे इन्ने बजे भाई रस्ता रहा मैं गोल हाँ, मैंने इन्ने को ठुडे पे ने लोगों ने मेरे बाजू फड़े मैं मुँह तो चांडी मारी है, मेरे किराए नहीं सन गए, पर गल मैं तुम दसा कि जिस तरह उन्होंने मैंने अच्छे कॉल करनी, अच्छा चले मैं आपको 50 हज़ार देता हूँ, तो आप थोड़ी सी ऐसे करो ना वीडियो कॉल पे, तुमने तो मास्क पहना हुआ था, तुम तो सामने नज़र ही नहीं थी, तुम्हारी आंखें बड़ी प्यारी हैं, तुम्हारे हाथ बड़े प्यारे हैं, तुम्हारे पैर बड़े प्यारे हैं, तुम्हारा फलां बड़ा प्यारा है, थोड़ा सा कैमरे पे आना, थोड़ा बस थोड़ा सा आ जाओ ना, थोड़ा सा आ जाओ, आप मैं आपको 50 हज़ार भेज दिया। मैं कहा भाई तुम फ़ोन करो बंद, मुझे तुम्हारी हेल्प की नहीं ज़रूरत और कैमरे पर तो मैं नहीं आऊँगी, तुम मुझे 1 करोड़ रुपया भी दोगे हाँ कभी मैं आऊँगी कैमरे पर, फिर मैं बताऊंगी आके उन लोगों की करतूतें जिन लोगों ने मुझे गलत फ़ोन किए और उनका भी बताऊंगी जिन्होंने मेरी हेल्प की। तो इतने में क्या करते थे, मैंने ना नंबर काट देना, मैंने बंद कर देना, मैंने उनको ब्लैक लिस्ट पर लगा देना, उन्होंने क्या करना दूसरे फ़ोन में से मुझे फ़ोन कर देना, पता नहीं किधरों किधरों व्हाट्सएप कर लेंगे सन, वो तो ना ही जी पहचाना जी मैं एल एफ फड़ ए वेख दिल कर दई तेरा दिल तू इन्नी ना पता नहीं क्या क्या ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ? ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਕੁਛ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹ ਕੁਛ ਸ਼ਕਰਗੜ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਸ਼ਕਰਗੜ ਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 500 ਹੀ ਹੈਲਪ ਭੇਜੀ ਹੈ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੇਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੈਲਪ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੰਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਫੋਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਹਮੇ ਜੁੰਮੇ ਕੋ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਬਾਤ ਕਰੋ ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਕੋ ਕਿਤਨੇ ਵਜੇ ਬਾਤ ਕਰੋਗੀ, ਬਸ ਹਮਸੇ ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਹਮ ਕਹਤੇ ਵੋ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹਮ ਆਪਕੋ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਵੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਬ ਫਿਰ ਨੈੱਟ ਕੇ ਵੀ ਲੰਬਰੋ ਸੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੈੱਟ ਕੇ ਨੈੱਟ ਕਾਲ ਮੁਝੇ ਕਰਤੇ, ਹੈਲੋ ਪਛਾਣ ਲਿੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਿੱਤੀ, ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, किसी को गाली भी निकाल दी, किसी को उनको मशवरा भी देती हूँ, कोई तो यहाँ तक कहते हैं कि यानी कि कुछ वो लोग हैं कि जो यानी कि मैनू ए कहें कि बाजी यानी कि फौजिया आ मेरी बात सुनो आराम से सुनो और मैं तेरे बच्चों नू अपने साए थले लियाना चाहना जे तुसी मेरे नाल शादी करो। भाई तू मेरे नाल शादी करना चाह रहे, मैं तुहानू भाई कह रही हूँ, तुहाडी शादी हुई है? जी हाँ अलहमदुल्ला मेरी शादी हुई है, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਾੜੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਯਾਦ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਫਜ਼ੂਲ ਬਾਤਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈਲਪ ਕੇ ਲਈ ਚਲਾ। हाँ मैंने देखा है तुझे नकाब में देखा है, थोड़ी सी तस्वीर सेंड करो, लो आज मैं सामने, क्या मैं गलत हो गई या मैं नकाब में भी गलत थी या इस तरह भी गलत हूँ?
मैंने कहा था, मैं कहा मैं आऊँगी सामने और मैं सबको बताऊँगी, लो मैं आऊँगी क्या होगा, क्या मैं गलत हो गई, क्या आप लोगों की हसरत पूरी हो जाएगी। लेकिन लोग तो तुम्हारे बारे से भी राय बढ़ाते रहने के अच्छी औरत नहीं जी, वो मुझे तो मुंह पे कहते थे, लो हमसे तो तुम बात नहीं करती, तुम रक्षा चलाती हो, तुम कोई अच्छी औरत हो। मैं कहा हाँ मैं बड़ी गंदी औरत हूँ फिर, क्योंकि मैं तुहाड़े लैन दी नहीं, मैं गंदी हूँ, मैं असली गंदी हूँ। रक्षा ड्राइवर जिहड़ा हुंदा है वो सही नहीं रहता जी, पता नहीं, मेरे ख्याल से रक्षा ड्राइवर है चाहे खोती रेड़ी चलावे, अपनी मेहनत करे ना, मैनू तो फखर है, पर हर किसी फखर, भावें कचरे रे ढेलती ढेर तो क्यों उठाता है, वो लोगों नालों अच्छे ने जेड़े साढ़े नालों अच्छे नहीं गए, असी उन्होंने अच्छे। मैं अमीरी देखी, मैं गरीबी देखी, मैं सब कुछ, मैं ना अमीरी बच्चे सी ना मैं गरीबी च, कि मैंने मकान नहीं से मिलने, कि मैंने पैसे नहीं से मिलने, सब कुछ मिलना सी, मैंने लालच भेजी है। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹਨ ਔਰਤਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਆਪ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮਕਾਨ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ, पर मैं नहीं दसना चाहती। मैं किसी के जाति मसले चाहती हूँ, मैं अपने आप में सीधा रखे मैंने बट्टा पाया, मैं उन्होंने कहा बाजी मेहनत कर लो, खुद औरतें खुद शेयर करती हैं कि बाजी मैं इंज किया तो मेरे बच्चों ने रोटी पकी, बाजी तू किधर काम कर, मुझे मैनू कह रही कि बाजी आ साढ़े ना तू एवं लोगों ने भांडे मार दे, मैं लानत ताडे ते, मैं मैं तेरे भी भांडे धोवांगी, वो चंगा तुम धोवो अपना आप, मैनू आप लोगों ने, मैनू औरतों ने ही गलत करने की कोशिश की है, पर मैं उन्होंने नसीहत दी। अज औरतां वेखो बीमारी विच पता नहीं कि मसलियाँ च है, अज उन्होंने बच्चे भी सड़कों पर रोलते पे ने, अल्लाह पाक का शुक्र है। मैं कहनी हाँ मैं अपनी मेहनत की है, चाहे मैं थोड़ी की है, मैं भावें एक टाइम खाधा, भावें मेरे बच्चे दो दिन भुखे रहे, अज असी सेहत दयाब, असी मेरे बच्चे ताड़े सामने ने, जिहड़ी जिहड़ी क्लासां च पढ़ते पे पढ़ते पे ने, तो गलत नालों करन तो बेहतर है। मैं औरतों को कहूँगी अच्छाई वाले पासे जाओ, तुहानू कोई बंदा करोड़ रुपया भी दे ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੋਨੇ ਢੇਰ ਵੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਰੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਰੋਣਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਹੀ ਰਾਤ ਰੋਣੀ ਸਾਂ, ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ, ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਸਿਰ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਚੜਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਨਹਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਰਸਤੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਜੀਆ ਕਚਰੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਲੈ, ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਲੈ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਚਾਈ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਵੀ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਡਰੈਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਰਖੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਉਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮਾਸ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਆਸੇ, ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ ਜ਼ੇਵਰ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹਦੂਦ ਤੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਲਖ ਬੋਲੋ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਤਲਖ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਹਦ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਬਹੋ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਫੌਜ਼ੀਆ ਨੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਏ, ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਫਿਲ ਵਕਤ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੂਹੀ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ
फिर वो अपनी जगह पर उत ही वापस आ गए। लेकिन चाहिए तो सानू है वे कि असी कोई इस तरह की अगर रिजर्विंग फैमिली देखने कुछ उन्हों बुनियादी जरूरत होंदिया ने जिड़ियाँ बहुत अहम होंदिया ने, क्योंकि किराएदार ने इन की सब तो पहली जी जरूरत ये वे कि इन वास्ते किसी ऐसी जगह का बंदोबस्त किया जाए कि जिथे सड़ छपा के बैठ जा और इस मुआशरे एक जवान खातून जी मतलब वो फिर रिक्शा भी चला हर बंदे नू फ्री होने का मौका भी होंदा उहदे नाल बेहतरीन रस्ता भी है हैलो हाय करन दा ते साढ़े मुआशरे का बड़ा अलमी है। लेकिन अगर नीयत तां असी अच्छी नीयत ना किसी ना हैलो हाय करिए लेकिन असी टाइम नहीं देंदे किसी दे मसाइल नू असी देखते नहीं कि असी उहदा मसाइल जिहड़ा जिहड़ा मसला उहनू हल करिए या असी दोबारा उहनू पुछदे नहीं कि भाई तेरा जिहड़ा प्रॉब्लम सी हल हो गया तू ट्रैक ते चढ़ गए हैं। असी बजाए 100 खानदानां नू ट्रीट करन दे मेरे बहुत सारे भाइयों दीयां कालां आउंदियां ने, उह कहिंदे ने असी बहुत जगह ते कर रहे हैं। मैं कहना यार सारिया जगह ते जिहड़ियां तुसी थेलियां चवानियां जिहड़ियां वंड रहे हो उहदे नालों एक फैमिली नू मुकम्मल कर दिओ। बच्चे ने इहनां दा फ्यूचर बन जाए, इहनां दा मुस्तकबल बन जाए, अपने पैरों पर खड़े हो जाए, अपने माँ के बाजू बन जा। वो माँ को फखर होए कि मैं अगर इन्हों वास्ते रक्षा चला रही हाँ तो मैं इन्हों कामयाब करना चाहती सी तो अज यह ट्रैक पर चढ़ गए ने। लेकिन इत्थे मामला हो रहे जिस तरह के वो एक अंजम नाम की स्टोरी मेरे चैनल पर उस खातून की एक रुपया भी एक रुपया कोटा जड़ा है वो भी किसी बंदे ने हेल्प ना की। हर बंदा इको गलते ही बसिद सी कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसने शादी करके ही तो फिर ही ये सवाब खटना चाहना वा। शादी वाला सवाब ही असं क्यों खटना चाहते हैं अगर अल्लाह ताला ने सानू तौफीक दी है? तो मेरा ख्याल है कि जिहड़ा बंदा बरसरे रोज़गार है जिहड़े बंदे नू अल्लाह ताला ने रिजक अता किया उहदे नाल तो कोई भी शादी कर सकता है। लेकिन असं किसी मजबूर दियां मजबूरियां ही क्यों खरीदनियां चाहते हैं? असं उहदे नाल ही क्यों बसिद होने हैं या असी उहदे नाल ही तल्लुकात क्यों कायम करने चाहते हैं? अल्लाह ताला मनू तुहानू जिहड़ा सीधा रस्ता है जिहड़ा सिरात मुस्तकीम दा रस्ता है। मैं भी बहुत गुनाहगार हाँ, मैं फरिश्ता नहीं इंसान हाँ, मेरी फितरत च भी गलतियां ने लेकिन कुछ गलतियां नाकाबले तलाफी हुंदियां ने। सो ऐ वे कि सानू चाहिदा है कि असी अपना ऐसा एक मैसेज दईए बासीयत पाकिस्तानी बासीयत इंसान इंसानियत सब तो वड्डा कायनात दा रिश्ता है। और ऐ महीना दो महीने की चांदनी देखण तो बाद अज फिर एक ऐसे घर च ने जिथों इन्हां कूच करना है और कित्थे जाना है इन्हां नूं नहीं पता। अगला दिन इन्हां वास्ते की लै के आएगा इन्हां नूं नहीं पता। आने वाले दिनों च इन्हां वास्ते चानणे ने नेरे ने की है जिहड़े मासूम बच्चे ने इन्हां नूं नहीं पता इन्हां दी मंजिल कित्थे वे। सो सानू चाहिए असी इन्हां वास्ते कोई इस तरह का कदम चुकीए किसी मंजिल ते पहुँच जाण किसी पॉइंट ते बैठ जाण। और माँ घर दी शान हुंदी है, औरत चार दीवारी च अच्छी लगती है। तो सो ये भी औरत किसी दी बेटी है किसी दी धी है किसी दी भैन है इन्हां नूं भी हक है कि अपनी चार दीवारी च बैठ के रिजक खाण रोटी खाण ते दिल करता होएगा। जदों बाहर रक्षा लैके जांदे ने ते लोग की आवाज़ां कसदे ने की करदे ने, चूंकि मैं फिर शोबीज़ नाल भी थोड़ा जिहा मुसलिक आ मैनूं पता है कि की बार हालात ने की लोग कहिंदे ने। अच्छे भी अल्लाह दे बंदे भी बहुत ने और अक्सरीयत जिहड़ी है लेकिन वो ते की तुसी पैगाम या की मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही पैगाम दूंगी कि अच्छा नहीं कर सकते बुरा भी ना करो, जे कोई अच्छा करना चाहता है तो मिल के कुछ इंज थोड़ा थोड़ा भी करो कि जिद मैं कोई अपना मकान लै लवा। अगर वजीर तक मेरी आवाज़ आती है तो जागे वो देखे इमरान खान साहब ने, मैं भी फौजिया खान हूँ, मैं भी इस पाकिस्तान का हिस्सा हाँ कि मैं इस पाकिस्तान की बेटी नहीं हूँ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਝਗੜ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਉਠਾਓ, ਪੇਟ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਜੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੀਂਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਖਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਂਸੂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਸੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਿਲ ਖਰਚਾ ਲਾਇਆ? ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਮ ਆਪਕੋ ਭੇਜੇਂਗੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਲਮੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਆਂਸੂ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿਲ 'ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਤੂਨ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਜਾਰਹਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਔਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਿਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ 500 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਸਤਕਿਲ ਹੋਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਦਰਜਣਾ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਲੀਆ ਚੌਧਰੀ। ਆਲੀਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖਾਕਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਮ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਸ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਉਮੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੋਚਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 70 ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਸਵਾ ਔਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਣ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ਼ੀਆ ਖਾਨ ਜਾਂ ਬਾਬਰ ਬੇਗ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੁਮਲਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਫਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਤਲਬਗਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਲਾ ਇਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਸਾਹਬੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
अच्छा काम किया, उसकी बेटी ने रुखसत कर दिता, वो इंतजामात किए, तो आप कह लगे काम तो अच्छा हो गया, लेकिन मैं तकलीफ अंदर है वे कि इन्हें सानू क्यों लभ्या, असी इन्हों क्यों नहीं लभ्या। सो इस तो पहला कि लोग सानू लभन, असी इन्हों लोगों लभ लीए, लभ के तो फिर अरशे मौला तो बैठा, यकीनन अल्लाह की रहमत जरूर जोश मारती होएगी और मेरा खुदा जरूर खुश होंदा होएगा, मेरा ईमान है। चलदे चलदे प्यारे देश दे नायक प्यारा जनारा पाकिस्तान जिंदाबाद।